प्रभात दोस्तों नया दिन नई शुरुआत पीछे से बहुत ज्यादा कौं की आवाज आ रही है प्रकृति बहुत ही सुंदर है अभी वैसे कुछ नहीं दिख रहा है चल चैलेंज भी मैंने सुबह का नाश्ता और खाने में है आलू की सब्जी तरी वाली भिंडी प्याज वाली एंड चपाती प्रभात दोस्तों नया दिन नई शुरुआत तो आज मैं हिंदी में उपचारण करने वाला हूँ पूरा दिन जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता तो ये मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया आज का और देखते हैं कि मैं इस चैलेंज में खड़ा उतरता हूँ या नहीं उतरता हूँ तो अभी दस मिनट में बस मेरा एक सत्र लगने वाला है जैसे कि क्लास बोलते हैं तो ये मैंने मम्मी से पूछा था वैसे थोड़ी देर पहले कि क्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि ये क्लास नहीं तुम्हारे सेशंस चल रहे हो जिसे सत्र बोलते हैं तो मैं बस वही लगाऊंगा एंड देन मैं उसके बाद एकदम से आपसे मिलूँगा तो मैं देखता हूँ फिर आगे दिन में क्या करता हूँ तो जो पक्षियों का बर्तन है उसमें मैं पानी डाल देता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो चलिए फिर आज के मैंने कल भरा था और देखिए आधा खाली हो गया है तो अब इसे पूरा भर दिया मैं फ्री हो गई हूँ अपनी क्लास लगा के तो मैं एक चीज एडअप करना चाहता हूँ आज के चैलेंज में कि अगर मैं टेन मिस्टेक से ज्यादा कर जाता हूं ना तो रात को मैं कुछ ना कुछ ऐसा मतलब जैसे कि आपको पता है कि मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ अभी कि मैं कुछ ऐसा नहीं खा रहा हूँ कैरेट शुगर वाला कुछ भी या आ, हाई कैलोरी फूड तो मैं रात को काउंट करूंगा कि मैंने कितनी ज्यादा मिस्टेक्स की हैं आज के चैलेंज में और अगर वो टेन से ज्यादा एक्सीड करती है ना तो मैं कुछ ऐसा खाऊंगा जो कि हाई कैलोरीफिक हो और मतलब वो आ, मतलब मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड करूँ बट आज मुझे वो ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा तो मैंने ये एक आ, अपने लिए सज़ा रखी है तो आज से लेकर रात तक मुझे दस से ज़्यादा इंग्लिश के शब्द यूज़ करने की इजाज़त नहीं है तो चलिए देखते हैं आप कैसा होता है बनाया अपने लिए नींबू पानी तो मैं आपको बोलूँगा कि गर्मियों के मौसम में आप जितना पानी पी सकते हो उतना पियो बहुत अच्छा है सेहत के लिए और ऐसे टाइम में तो अपने आप को मतलब अपने शरीर को जितना पानी हम मतलब पियेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हम सेहतमंद रहेंगे और हम ये जो बीमारियां भी चल रही हैं ना इनसे भी बचे रहेंगे सो ये पानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा तो बस मैं वही दिमाग में सोचते हुए खूब सारा पानी पी लेता हूँ रोज़ मैंने नोटिस किया मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा कौओं की आवाज़ आ रही है उनको भी कुछ मिला होगा खाने पीने के लिए तभी वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे हैं जैसे मैं बाहर आया ही था अपने गार्डन में कि मैंने बोला थोड़ा सा देखूँ कि क्या हो रहा है सब्जियों का हाल कि पानी वानी की जरूरत तो नहीं है तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हिमाचल में सर्दियाँ ही होती होंगी कोई मौसम अगर थोड़ी सी गर्मी होती है, तो बारिश आ जाती है नहीं ऐसा तो पहले होता था किसी टाइम पे जब हम छोटे छोटे होते थे पर अब ना आ, मतलब पिछले कुछ तीन चार सालों से यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है तो अब जैसे मई मही का महीना हो गया शुरू ना तो यहाँ पे ज़बरदस्त गर्मियाँ पड़ेंगी और सितंबर तक चलती रहेंगी जी हम ऐसे तो सारा पानी दिया हुआ है सुबह तो अभी तक इसको इनको ज़रूरत पड़ी नहीं है कुछ ऐसे शायद अब कल देंगे अगले दिन पानी इसको और लगाएंगे मेरे को तो उस सब्ज़ी का इंतज़ार है तो आप बताइएगा वो कौन सी सब्जी है क्योंकि उसका मैं जिक्र काफ़ी बार करता हूँ ये फूल मुझे बड़ा ही सुंदर लग रहा है मैं कल भी इसको देखा था बहुत सुंदर फूल है ये हो रही है दोपहर तो के खाने की तैयारी और मैं चीर रहा था लहसुन मैंने बोला थोड़ी सी हेल्प करा देता हूँ मम्मी की तो मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ कि लहसुन को कैसे चीरा जाता है आसानी से जो भी मतलब बचते हैं ना काम से की लहसन नहीं चीना बिना लहसन के दाल बना देते हैं सब्ज़ी बना देते हैं तो मैं आपको बताता हूँ तो मैं तो ऐसे लहसन चीरता हूँ कि मैं लहसुन को डालता हूँ पानी में भिगोने के लिए उसके बाद जब मैं इसको चीरता हूँ ना तो फिर ये ईजिली हो जाता है तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं आप देख रहे हैं ये ये चिड़िया कैसे बैठी हुई है उधर मटके के ऊपर तो ये खुद को ठंडा कर रही है बेचारी पानी में बैठ के तो अब मैं पास नहीं जाऊंगा कि फिर ये उड़ जाएगी तो इसको रहने देते हैं यहीं पे बाकी प्राकृति बहुत ही सुंदर है तो की लंच में क्या बना है लंच लंच में है ये मसर की दाल सुबह की आलू की सब्जी एंड राइस मैं खा के बताता हूँ आपको कि कैसा बना है पहले दाल से शुरू करते हैं हम्म, दाल तो अच्छी बनी है सब्जी सुबह खाई थी तो बचे क्या चावल बचे तो खाना अच्छा बना है मतलब बज रहे हैं शाम के साढ़े छः तो अभी कुछ टाइम कुछ देर में मैं अपना व्यायाम शुरू करूंगा कसरत वगैरह तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता तो, हूँ मैंने जस्ट अभी गौर किया था कुछ दिन पहले तो मैं अभी ऊपर चढ़ रहा था छत पे तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको भी दिखाता हूँ तो ये नज़ारा देखो कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा है पहाड़ भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं अभी वैसे कुछ नहीं दिख रहा है जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ ना है ये ये देखिए नींबू इतनी सी बाल्टी में ये इतनी डालियों में नींबू 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 लगे हुए इधर भी होंगे ये देखिए और मुझे अच्छे से याद है कि पिछले साल भी हमने इस पेड़ के बहुत नींबू मतलब तोड़ के उसका नींबू पानी बनाया था ये बहुत अच्छे हैं ये सब चीज़ें उगा के ना आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी ना मतलब दिल को शांति जब आप देखेंगे कि ऐसी कोई चीज़ बढ़ रही है आपकी और वो फल देने वाली है फूल देने वाली है तो आप और करना चाहेंगे मेहनत और आपको लगेगा कि वो मेहनत रंग लाई है चुका हूँ अपनी कसरत करने के बाद और मैं खेल रहा हूं मिट्टूस के साथ इनको छोड़ा हुआ मैंने रूम में और ये अपना उड़ रहे हैं मैं इनकी फीडअप चेंज इनका काम करना जरूरी था तो पहले मैं इनका काम कर लेता हूँ चल अभी बज रहे हैं साढ़े नौ और मैंने और मम्मी ने डिनर स्किप किया मैंने मैंगो शेक दे दिया ये yes, सभी को तो मम्मी देख रहे थे मूवी बैठ के तो पहले मम्मी ने बाजीगर देखी तो फिर हॉलीडे लग गई तो हॉलीडे का नाम सुन के मैं भी आ गया तो अभी मैं दे, सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत मूवी देख देख लेता हूँ एंड देन बाकी की ब्लॉगिंग करता हूँ बज रहे हैं रात के पौने एक और मैं एडिटिंग कर रहा था और मैंने देखा कि मैंने इतनी मिस्टेक्स की है कि कोई हिसाब ही नहीं है टेंथ तो छोड़ो मैं टेंथ तो एक कर ही चुका हूँ और बहुत बुरी तरह से ये चैलेंज हार चुका हूँ और अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ हाई कैलोरीफिक फिक खाऊँगा तो अब बज रहे हैं पौने एक और मुझे बहुत नींद आ रही है पर मैं अपना प्रॉमिस रखूँगा तो मैं लेके आता हूँ पहले मैं अपना प्रॉमिस रख रहा हूँ और मैं खा रहा हूँ स्नैक लाइट पौने एक बजे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बच रहा हूँ ये सब खाने से पर खाना पड़ रहा इतना भी बुरा वैसे चैलेंज नहीं था और इतनी भी बुरी पनिशमेंट नहीं है क्योंकि ये तो टेस्टी है पर वही है ना कि रात को इतनी लेट खाना तो वो ठीक नहीं है चलिए तो फिर मैं आज के इस चैलेंज को यहीं पे ख़त्म करता हूँ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो जो कि था डू नॉट स्पीक इंग्लिश फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स एंड आई एम फेल्ड बैडली इन दिस चैलेंज बट आई होप कि आने वाले चैलेंज में मैं ज़रूर पास हूँ विद फ्लाइंग कलर्स एंड आप स्टे हेल्दी स्टे सेफ और इफ़ यू लाइक टू डेज वीडियो Do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, which is the Strawberry Bites. And I'll meet you tomorrow with another daily vlog. Till then, bye.